अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ताहा कमाल और गाड़ी आ रही है यार पीछे से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज ताहा कमाल। गाइस टुडे आई एम एट सुपर हाईवे, कराची सुपर हाईवे। और हम लोग सुपर हाईवे पे कहाँ हैं? सुपर हाईवे पे है बहुत सारे फार्म, जिन फार्म में से एक फार्म पे हम इस वक्त मौजूद हैं, उसका नाम है फिब्बी कैटल फार्म। धूप बहुत हो रही है यार। अच्छा तो भाई बात यही है, एक पूरे साल में एक सीज़न ऐसा आता है कि जो हम सब बॉयज़ का ना फेवरेट सीज़न होता है, बिल्कुल ना अटैचमेंट होती है उस सीज़न से। वो सीज़न है ईद उल अज़हा का सीज़न। और ईद उल अज़हा का सीज़न स्टार्ट होता है मंडी से, मंडी जानवरों से फार्म से जो जानवर आते हैं वो बहुत शौकीन है हमारे लड़के। मैं भी खुद शौकीन है कि भाई जानवर देखने हैं, लाना है, ख़रीदना है। तो आज हम लोग मौजूद हैं फिब्बी कैटल फार्म पे, और इनके हर साल की तरह इस साल भी बहुत खूबसूरत जानवर आए हैं। हम 3-4 दिन पहले आए थे यहाँ पर रात में ओपनिंग सेरेमनी पे, बट हमने व्लॉग नहीं बनाया था। आज व्लॉग बनाया है, हम बनाना है। और गाइस पूरे पाकिस्तान में हर गली के लड़के का यही कहना है कि दिस सीज़न इज़ लव। तो चलिए दिखाते हैं आपको क्या सीन है, क्या क्या कमाल के जानवर हैं यहाँ पर। तो गाइस इस वक्त हम लोग अभी मौजूद हैं, अंदर आ चुके हैं फिब्बी कैटल फार्म के अंदर। वैसे तो सारे ही जानवर माशाल्लाह से इतने खूबसूरत हैं कि बस एक जानवर पे 5 मिनट तो कम से कम लग ही रहे देखने में, इतना खूबसूरत जानवर है। और हम लोग जब अंदर आए ना तो हमें एक बात पता चली कि वो यहाँ पर कुछ ऐसे जानवर हैं कि जिनके माशाल्लाह से नाम है, हर साल तो नाम होते हैं, और वो कुछ जानवर इस साल के भी हैं जिनके बड़े खूबसूरत से नाम है, और खूबसूरत वो खुद ही जानवर खूबसूरत है। तो आपको दिखाएंगे, उसके पहले नंबर पे है कि भाई। अच्छा भाइयों, हम लोग गए थे सारे जानवर देखने के लिए और सारे जानवर माशाल्लाह से अच्छे थे, लेकिन हम लोग स्पेसिफिकली जो गए थे ना वो कुछ 3-4 जानवर थे उनको देखने के लिए, जिसमें से एक जो नाम हमारे सामने पहले आया वो नाम ऐसा था, मुझे गाना याद आ गया। अब वो मैं गाना डालूँ नहीं डालूँ, कॉफी राइट का कोई इशू है वो मुझे नहीं पता, वो जब एडिट करूँगा तो देखते हैं। तो वो नाम था दिलरुबा, और मुझे डायरेक्टली गाना याद आया, जैसे कि आप लोगों को भी आएगा दिलरुबा नाराजी, वही गाना। तो वो है एक जानवर का नाम, और वो क्या खूबसूरत जानवर था, उसको जिसने पाला है उसका नाम रफीक था फिब्बी कैटल फार्म पे। उसका भी हमने इंटरव्यू लिया, उसकी भी आप बातें सुने, दिलरुबा को उसने कैसे पाला, और देखें दिलरुबा को देखें। अलैकुम, मेरा नाम रफ़ीक है। माशाल्लाह ये दिलरुबा जो बछड़ी है ये हमारे अपने हाथों की पली हुई है। माशाल्लाह से ये बड़े टाइम से, मतलब कि छोटा जैसे छोटी थी अपने हाथों से ये पाल पोस के बड़ी की है। माशाल्लाह से ये बहुत नाजों से चलती है, नखरे अपने करती है, इनको हम लोग चारा खिलाते हैं, उसके बाद ये जो है अपना पानी पे भी नखरे करती है, खाने पीने पे नखरे करती है, फिर उनको हम अपने हिसाब से खाना पीना देते हैं माशाल्लाह से। उसके बाद ये अपना जो नखरे दिखाती है वो हम लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग मजदूर हैं भाई, हम अपना उनको अपने हिसाब से चलाते हैं, घुमाते हैं, सारा दिन उनकी परवरिश करते हैं, उसके बाद दिन रात चलना पड़ता है भाई। ये माशाल्लाह से फिब्बी कैटल फार्म की है भैया। ये कमरे में बैठ के बातें करने और उसके साथ एक मैगी हो जाए ना तो बड़ा मज़ा आता है। आप, मैं मैगी खा रहा हूँ, आप लोग जानवरों पे कॉन्सेंट्रेट करें यार, यहाँ पे प्राइवेसी होती है सारी थोड़ी। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है भाई। मैं यहाँ पे फिब्बी कैटल फार्म पे होता हूँ, बाकी जितने भी यहाँ पे जानवर हैं वो सब मेरे हाथ के पड़े बड़े हैं। हाइजीनिक गिज़ाएँ देते हैं, हाइजीनिक चीज़ें खिलाते हैं, जैसे घी, मक्खन, तेल, दूध वगैरह, और इनकी बहुत ही हाइजीनिक तरीके से परवरिश की जाती है। हर चीज़ की वैक्सीनेशन हमारे पास होती हुई भी होती है। बाकी जानवर हमारे पास सारे आला नस्ल के हैं, जिस तरह के लोग पसंद हैं उस तरह के सारे जानवर हमारे पास मौजूद हैं, और आप हमारे फार्म पे विज़िट भी कर सकते हैं। संडे संडे
4 PM to 8 PM, इसमें हम आपको 50 चाय भी यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी और गिफ्ट टेम्पर्स भी दिए जाएंगे, अपनी फैमिली के साथ विजिट कर सकते हैं। यह है हीर, हीर रांझा वाली हीर नहीं, यह है फिब्बी कैटल फार्म की हीर। हीर की नखरे कुछ अलग ही हैं भाई, जब ये बाहर आती है तो बोलती है मुझे वापस बांध दो ना भागती है ना कुछ, बस दौड़ा देती है वापस अपने जानवरों के साथ, बांध दो इसको भाई। इसकी खूबसूरती का कोई जवाब नहीं है, इतनी प्यारी ये दिख रही है, उतनी प्यारी ये है भी माशाल्लाह। आप लोग जाके देख सकते हैं इसको, करीब से देख सकते हैं, घुमा भी सकते हैं। अपनी फैमिली के साथ जाएं, हीर को देखें, दिलरुबा को देखें और लाल बादशाह को भी देखें ज़रूर। और भी खूबसूरत जानवर हैं फिब्बी कैटल फार्म के पास, आप लोग जा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, और बहुत करीब है, कोई दूर नहीं है। नॉर्मली 15 मिनट की ड्राइव है, सुपर हाईवे पे इनका कैटल फार्म है, और जिन लड़कों ने क्वेटा दरबार होटल देखा है सुपर हाईवे पे, उसी जगह पे है, उसी की गली से अंदर जाएंगे तो आपको ये फार्म मिल जाएगा। किसी से भी पूछ लें फिब्बी कैटल फार्म कहाँ पर है, टूल प्लाज़ा के आगे है, सही है। तो थोड़ी सी ड्राइव है यहाँ से, जैसे कि आप सुपर हाईवे पहुँचते हैं, सुपर हाईवे से आपको 15 मिनट की ड्राइव करनी है तो आप फार्म पे पहुँच जाएंगे, फिब्बी कैटल फार्म पे। वहाँ पर किसी से भी पूछ सकते हैं कि फिब्बी कैटल फार्म कहाँ पर है, वो बता देगा। बाहर बोर्ड्स भी लगे हुए हैं वहाँ पर, और एक्वाफिना कंपनी देखी होगी आप लोगों ने, उससे थोड़ा सा आगे है। मैं आपको नियरेस्ट जगहें बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए कि कहाँ पर है फिब्बी कैटल फार्म। तो आप लोग जा सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, सिक्योर्ड इन्वायरमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई मसला नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं, बिल्कुल ही सिक्योर्ड। ओके सो गाइज, ये था हमारा फिब्बी कैटल फार्म का व्लॉग। अगर आप लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग किसी और फार्म पे आए, तो मैं एक लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, उसके साथ एक नाम है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप लोग उस पर कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं कि नेक्स्ट व्लॉग हमारा कौन से फार्म पे आना चाहिए। सो गाइज, दिस व्लॉग इज ऑल अबाउट कैटल फार्म्स, एंड अगर आपको कोई नेक्स्ट व्लॉग चाहिए तो कमेंट में बता दें, और टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। हेलो, आज हम लोग मौजूद तो हैं लेकिन गाड़ी आ रही है। पूरे घर में किसी को भी कोई काम हो ना, कोई काम बोलता रहे, करेंगे नहीं, लेकिन दोस्त ने मंडी जाने के लिए फ़ोन किया तो मंडी ज़रूर जाएंगे भाई। और अगर दोस्त बोले यार मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, किसी फार्म पे चलते हैं, तो भाई आंखें यूं, फार्म के लिए तो जाने के लिए रेडी रहते हैं लड़के, क्योंकि फार्म पे वो जानवर होते हैं जो कि लोग बेसब्री से मंडी के बाद भी इंतज़ार करते हैं कि ये जानवर फार्म्स में कब, फार्म्स के जानवर जो है वो मंडी में कब उतरेंगे।